हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सिर्फ 15 मिनट में बनने वाली इंस्टेंट ब्रेड रस मलाई की रेसिपी, जिसमें बनाने में आपको कम से कम मेहनत और इंग्रेडिएंट्स लगेंगे पर खाने में बहुत ही टेस्टी होंगे। तो चलिए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इंस्टेंट ब्रेड का डेजर्ट या फिर रस मलाई बनाने के लिए सबसे पहले पैन में हम डाल देंगे 2 कप दूध। दूध आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं, लो फैट या फुल फैट। तो इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखकर 5 से 6 मिनट तक गाढ़ा होने देंगे। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, तो हमारा दूध भी उबल गया है और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है, चीनी आप अपने स्वाद अनुसार डालें। तो अब हम इसे कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो चिपके नहीं और अच्छे से घुल जाए। और चीनी डालने के बाद हम इसमें 1 टेबलस्पून कूटी हुई इलायची डाल देंगे। आप यहाँ पर इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं ताकि इलायची का जो फ्लेवर है वो दूध में आ जाए। अब हम इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे कलर और फ्लेवरिंग के लिए। इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। जब तक ये दूध थोड़ा सा और गाढ़ा ना हो जाए, चीनी घुल मिल ना जाए, इलायची और केसर अपना फ्लेवर ना छोड़ दे। तो जब तक हम एक बढ़िया सा मिक्सचर बना लेते हैं कस्टर्ड का। तो साइड में मैंने यहाँ पर एक बॉल में लिया है बस 1 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, बस 1 टेबलस्पून वैनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर। और इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप दूध। ये रूम टेम्परेचर या फ्रिज का दूध आप ले सकते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसका गाढ़ा घोल तैयार करना है और कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। ये देखिए, ये अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए, दूध भी हमारा अच्छे से गाढ़ा हो गया है। और अब हम ये कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर है थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और लगातार मिक्स करते जाएंगे। तो लगातार मिक्स करना बहुत ही जरूरी है, वरना अचानक ये एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा और कच्चा कच्चा सा रह जाएगा। तो ये देखिए, पूरा कस्टर्ड का घोल मैंने इसमें डाल दिया। और उसके बाद हमें इसे पकाना है और 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये बढ़िया से गाढ़ा और क्रीमी ना हो जाए। करीबन 3 से 4 मिनट बाद ये देखिए, दूध जो है वो गाढ़ा हो गया है और क्रीमी क्रीमी सा हो गया है। तो बस अब हम गैस बंद करके इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने 3 से 4 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। इसके जो कॉर्नर्स है ना वो कट कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी जो रस मलाई है वो बहुत अच्छी बनेगी। ब्रेड जो है वो आप एकदम फ्रेश यूज करें, उसके वजह से आपका डेजर्ट है ना वो बहुत ही सॉफ्ट और क्रीमी बनेगा। ये देखिए, मैंने सारे ब्रेड स्लाइसेस के कॉर्नर्स को कट करके रेडी कर लिया है। अब इसकी स्टफिंग के लिए हम बनाएंगे एक बढ़िया सी रबड़ी। तो यहाँ पर मैंने एक बॉल में लिया है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। आप चाहें तो इसके बदले खोया भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमको डालना है फ्रेश क्रीम या मलाई या फिर चीनी, लेकिन मैं यहाँ पर डाल रही हूँ जो कस्टर्ड का हमने घोल बनाकर रखा था ना, वही 3 से 4 टेबलस्पून डाल रही हूँ। ये जो मलाई है ना वो मीठी भी हो जाएगी और अलग से मलाई या चीनी डालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और ये हमारी रबड़ी जो है वो बनकर रेडी है। नेक्स्ट अब हम ब्रेड स्लाइसेस लेंगे और उसके ऊपर ये स्प्रेड आउट कर देंगे जो मलाई हमने अभी तैयार की थी। तो इससे ना खाने में ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसके ऊपर थोड़े से चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और फिर इसको ऊपर से एक ब्रेड स्लाइस से ढक देंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि वो इस पे चिपक जाए और अलग अलग ना हो जाए। और उसके बाद हम ब्रेड्स को ट्रायंगल शेप में काट लेंगे। आप चाहें तो इसे राउंड शेप में भी काट सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे इस तरीके से काट लिया है। तो इसी तरीके से हम सारे ब्रेड स्लाइसेस को काट कर रेडी कर लेंगे। और ये हमारे ब्रेड सारे स्टफिंग के साथ रेडी हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक बॉल में लिया है 1/2 कप दूध। अब हम एक एक ब्रेड स्लाइसेस को इस दूध में डिप करेंगे। इससे क्या होगा ना कि ब्रेड में अच्छा सा मॉइस्चर आ जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगा। तो इसे ऐसे डिप करके एक प्लेट में रख देंगे। इसी तरह से हम सारे ब्रेड स्लाइसेस को दूध में डिप करके प्लेट में रख देंगे।
तो सारे ब्रेड्स मैंने डिप करके रख दिए और अब हम इसके ऊपर से डालेंगे ये बढ़िया क्रीमी रबड़ीदार दूध जिसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। इसको पूरा पोर कर देंगे। आप देख सकते हैं इसका जो क्रीमीनेस है, जो टेक्सचर है, कितना बढ़िया है। तो अच्छे से इसको ब्रेड्स के ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। तो ये हमारा इंस्टेंट ब्रेड रसमलाई बनकर तैयार है। आप ब्रेड का ये डिजर्ट एक बार जरूर ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको आज की ब्रेड रसमलाई की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।